मोर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा संभावनाएं, हायर रिजल्ट, इस थीम के ऊपर हम लोग अलग अलग लोगों से हर हफ्ते बात करेंगे और समझेंगे उनके सोच को, उनके विचार को, उनके समझ को, और उससे हम क्या सीख सकते हैं और किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपने अच्छे परिणामों के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए और नई नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ में आज का ये फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अगर मेरी आवाज़ ढंग सुन पा रहे हैं और हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं जस्ट ये चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दें ताकि मुझे पता चल पाए कि आप ये वीडियो और मेरी आवाज़ दोनों अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मेरा वीडियो आप देख पा रहे हैं तो आप मैं हूं आपका होस्ट, आज का होस्ट शिव मोहन पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। इफ़ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस क्लियरली एंड एबल टू सी माई स्क्रीन एंड वीडियो प्लीज टाइप यस सो वी नो दैट अवर स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट। सो थैंक्स, आई गॉट कपल ऑफ कमेंट्स एंड लुक्स लाइक स्ट्रीमिंग इज गोइंग वेल। सो लेट्स वेलकम टू अवर गेस्ट टूडे, Abhishek Vyas, Mr. Abhishek Vyas, he is also with us. So we will discussing many things with him, his past experience, his thinking, his motivation. So Abhishek, स्वागत है इस Facebook Live में. Shiv, just give me 30 seconds. Just give me 30 seconds. Yes. Just give me 30 seconds. तो दोस्तों, अगर आप मेरी voice को सुन पा रहे हैं तो आपने yes लिखा है कुछ लोगों ने, very good. और अगर आप के दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं अभिषेक उसका आंसर करे, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम लोग उस क्वेश्चंस को भी लेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये फेसबुक लाइव आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपके समय के लिए यूजफुल रहेगा, कुछ ना कुछ हम नया जरूर सीखेंगे आज। सो आज की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं कुछ बातों से शुरू करना चाहता हूं और वो है कुछ मोटिवेशन, जिसको मैं नाम देता हूं आज का मोटिवेशन, टुडेस मोटिवेशन। इंग्लिश में कोट है शिव खेड़ा जी की तरफ से, सक्सेस इज नॉट ए एक्सीडेंट, सक्सेस सफलता अचानक से नहीं मिलती है, ये आपके एटीट्यूड का परिणाम होता है और एटीट्यूड आपकी च्वाइस है, आपकी इच्छा है, आप जैसा एटीट्यूड चाहें वैसा रख सकते हैं। आज जो सिचुएशन है उसमें हमें एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है और अपना कोरोना रिजल्ट नेगेटिव रखना है। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव आज की तारीख में पॉजिटिव हैं और उसके साथ में हमें एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, आपके बर्ताव में रिफ्लेक्ट करता है, वही आपके एक्शन में जाता है, वही आपके कामों में जाता है, काम से परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट से आपकी तरक्की आती है और ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है। तो ये था आज का छोटा सा मोटिवेशन। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इसके पहले हम आज का डिस्कशन कंटिन्यू करें। छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, एक एटीट्यूड के ऊपर स्टोरी है। एक शिकारी था, उसके पास एक बहुत अच्छा कुत्ता था। वो कुत्ते की खासियत बात ये थी कि वो पानी पे चल सकता था। ज्यादातर कुत्ते जो है पानी में तैर सकते हैं, पर वो कुत्ता ऐसा था जो पानी पे दौड़ सकता था, पानी में चल सकता था। तो उसे बड़ी खुशी हुई, उसने अपने दोस्त को बुलाया कि आओ मैं इसको अपने कुत्ते के बारे में दिखाता हूँ। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि चलो हम शिकार पर चलते हैं और तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो दोनों शिकार पर गए, नदी किनारे खड़े हो गए, ऊपर से कोई पक्षी उड़ा, उसने जोर से निशाना लगाया, पक्षी गिर के नदी में गिर गया। उसने कुत्ते की तरफ इशारा किया, कुत्ता दौड़ता हुआ चला गया और उस चिड़िया को उठा लाया बीच नदी में से। अभी दोस्त ने कुछ नहीं कहा कि कुत्ते के बारे में क्या है, वो सोच रहा था कि ये दोस्त ही खुद आगे बढ़ के
पूछेगा अरे वाह ये क्या है और ये कैसे कर लेता है, तो उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो जब वो दोनों वापस आने लगे तो उसने पूछा अपने दोस्त को कि तुमने नोटिस किया इस कुत्ते के बारे में कुछ खास बात है, तुमने नोटिस किया इस कुत्ते के बारे में कुछ खास बात है। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता, मुझे लगता है तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो दोस्तों एक छोटी सी बात है कि कुछ लोग हमेशा कमियां ही ढूंढते हैं और अच्छी बातें इग्नोर कर देते हैं। तो ये छोटी सी बात जो एटीट्यूड के लिए मैं कहना चाहता था आपको कि आप किसी भी चीज़ में कमी ना ढूंढें, उसमें अच्छाई ढूंढें, परेशानी ना ढूंढें, संभावना ढूंढें, कमियां ना ढूंढें, कुछ तरक्की की बात ढूंढें। और इसी विचार के साथ में हम लोग स्वागत करते हैं अभिषेक जी का। अभिषेक व्यास वेलकम ऑन आवर फेसबुक लाइव। थैंक यू शिव एंड थैंक यू वेरी मच। ओके सो अभिषेक के बारे में मैं थोड़ी सी कुछ बातें कहना चाहता हूं और फिर मैं चाहूँ अभिषेक जी खुद बताएं उसको डिटेल में। सो अभिषेक व्यास इंदौर में हैं, कैप अर्थ इंडिया के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। उनका 15, 18, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी फंडिंग, बहुत सारी चीज़ों में रहा है। और आजकल वो स्टार्टअप एडवाइजरी करते हैं, बिजनेस कोचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो अभिषेक मैं चाहूँगा आप कुछ आपके बारे में और आपकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं ताकि जो फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं उनको भी पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शिव टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मुझे मौका मिला आप सब लोगों के बीच जुड़ने का, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज बहुत बड़ा दिन है जो हम नॉर्मली मदर डे के नाम से मतलब संबोधित करते हैं। सबसे पहले सभी माताओं को मेरा चरण स्पर्श, सभी अपनी माओं को चरण स्पर्श। हालांकि कोई ऐसा दिन होता नहीं, एवरी डे इज द मदर डे, बट फिर भी एक ग्रीटिंग्स, लॉट ऑफ ग्रीटिंग्स टू ऑल मदर्स। और मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये कहना चाहूँगा कि आई स्टार्टेड एज इन द बैंकिंग करियर, मैंने अपना चालू किया। और एक जो एक नॉर्मल जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके मतलब एक ब्रांच बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट बैंकिंग से प्राइवेट बैंकिंग तक में गया। एंड बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, लॉट ऑफ कस्टमर ओरिएंटेशन, और हर एक पोर्टफोलियो पे मैंने काम किया है। मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है। आई बीन पार्ट ऑफ इंडियन मतलब इंडियन बैंकिंग में मैंने काम किया है। देन 7 years आई बीन इनटू द गल्फ विद द दुबई, वेयर जहाँ पे मैंने अबूधाबी कमर्शियल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ रसल खेमा एंड बार्कलेज बैंक के साथ मैं जुड़ा रहा। जब मेरा लास्ट असाइनमेंट था, आई वॉज पार्ट ऑफ सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वेयर आई लुक आफ्टर द ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ द बार्कलेज। तो यहाँ तक का मेरा करियर करीब 2014-15 तक मैंने किया। उसके बाद लास्ट 5 years मैं पूरा स्टार्टअप्स, और आई बीन स्टार्टेड माई ओन कंसल्टेंसी फर्म जिसे केपर्थ के नाम से अभी शिवजी ने आपको श्री मोहन ने शेयर किया। तो ये कंसिस्टेंटली मतलब इंटेंशनली मैंने स्टार्ट किया, मेरे होम टाउन से ही स्टार्ट किया। हालांकि आई बीन हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो अगेन बैक टू द इंटरनेशनल मार्केट। इसी दौरान में मैंने हैव डन माई सर्टिफिकेशन इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन, वेयर I've been done certification in leadership finance, where जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मैंने देखी कि एज अ सेंट्रल ऑफ इंडिया देर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देर लॉट ऑफ गुड माइंड पीपल आर कमिंग अप, लॉट ऑफ गुड स्टार्टअप कमिंग अप, बस यहाँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो दैट्स वॉट आई बिन गेट स्टिक इन दी सेंट्रल ऑफ इंडिया, बोला यहीं से कुछ शुरुआत की जाए। हालांकि इट इज़ वेरी टफ, काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज है, जिसे हम टीयर 3 सिटी में बात करते हैं, इंदौर टीयर 3 सिटी में आता है। But nevertheless, the opportunities are immense and the creativities are immense, positivities are immense. Only just need to have lot of, you know, the structured and the genuine advice hona bahut zaruri hai. So that's how I've been started my career here in Indore. And abhi kahi startups mein mera involvement hai aur kuch startups already scale up ho chuki hai, jahan 1-2 crore se humne start kiya, then now we have current valuation more than 100 crores also. तो इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर मैंने अभी तक काम किया हुआ है।
और सक्सेसफुली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया, थैंक्स अभिषेक। तो आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो स्किल्स है उसके बारे में जान के अच्छा भी लगा, और आज मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में थे तो मैंने नोट कर रखे हैं, मैं चाहता हूँ हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करें। और मुझे लगता है ये कुछ क्वेश्चन सभी के दिमाग में है आज की तारीख में, चाहे वो छोटे शहर में है, बड़े शहर में है, या इंडिया में है या बाहर है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में है, स्टूडेंट है, सबके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन के बाद, कि आपकी लाइफ में कभी इस तरह की सिचुएशन आई है जिस तरह की आज हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे आज, मतलब जो है वो क्राइसिस जैसा सिचुएशन है, तो इस तरह का कभी आपने किया है और कभी इस तरह से आप गुजरे हैं तो कुछ एक्सपीरियंस आपको बताएंगे? शुभ, प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो एक मेरे करियर की शुरुआत मैंने काफ़ी लोअर लेवल से स्टार्ट करी, तो मतलब जाहिर है कि 15 सालों में मैंने कई क्राइसिस देखे हैं। अगर मैं सही मायने में क्राइसिस की बात करूं तो आप डन मतलब अभी तक मैंने करीब 3 इकोनॉमिक स्लोडाउन देखे हुए हैं, और कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां मतलब मैं खुद भी हिलाऊं, प्लस दी एंटायर बिजनेस कम्युनिटी भी, मतलब कई जगह मैंने देखा है कि बनते बिगड़ते हुए देखी। अच्छा, और ठीक 2005 में एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट ये आया कि आपने आपने देखा होगा बॉम्बे में मतलब 26 जुलाई 2005 को काफी हैवी रेन हुई थी, तो उस बारिश के अंदर मैं भी एक बहुत बड़ा विक्टिम था क्योंकि कई लोग थे, बट उस बारिश में मैंने शाम को करीब 6 बजे से चलना चालू किया डॉकयार्ड से, तो मुझे बेलापुर पहुंचने में मॉर्निंग की 7 बज गई। मैं बेलापुर रहता था और बेलापुर से नरीमन पॉइंट मेरा मतलब आना जाना हुआ करता था, नरीमन पॉइंट में मेरा काम था, मतलब आई वॉज पार्ट ऑफ HDFC बैंक। तो उस समय स्थिति बहुत ही गंभीर थी, पूरे रात पानी में चला, मतलब कहीं ऐसी स्थिति हो गई थी कि मतलब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आधे आधे मतलब गले गले तक पानी में चल रहे हैं, पता नहीं अंदर कोई गड्ढा आ गया, कहीं आ गया, कहीं चले गए, तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बट वो क्राइसिस मैंने देखा, फिर जब घर पहुंचे तो स्थिति कुछ और ही थी, 4th फ्लोर पे घर था, 1st फ्लोर डूबा हुआ था, तब घर पे कैसे जाना है, तो वो भी वहाँ पर भी जैसे तैसे करके घर पे पहुँचो, जब घर के अंदर घुसे तो खड़े रहने की जगह नहीं थी, सब तरफ पानी ही पानी था। बट उस समय मैंने जो बोलते ना कि एक चैलेंजिंग पार्ट देखा कि 10 दिन तक आपको ना पे आपके पास ना तो खाने को था ना पीने को था, तो उस समय घर पे ना तो पीने का पानी कुछ भी नहीं था, तो जो बारिश हो रही थी तो मैंने कुछ छोटे से मतलब खिड़की के बाहर जाके कुछ थोड़ा सा बोलते ना एक चादर वदर लगा के अब बर्तन में पानी इकट्ठा किया और वो पानी मैंने पिया। और जब मैं बाजार में गया बॉटल लेने तो एक 20 रुपए की बॉटल मैंने 200 रुपए में 1 लीटर बॉटल खरीदी उस समय, तो वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, मतलब उसको उस चीज से उभर के आने में कम से कम 15 दिन लगे, और उस दौरान पानी के अंदर इतने इन्फेक्शन थे तो कम से कम 5 से 6 टीके लगे मुझे। और जब वापस नॉर्मल लाइफ हुई तो जब बैंक गए तो पता लगा कि ब्लड की काफ़ी कमी है, ब्लड डोनेशन मतलब ज़रूरत है, लोगों को ब्लड की कमी चढ़ रही है, तो फिर हमने कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, उस समय काफ़ी ब्लड डोनेट किया था। तो ये किस्सा 2005 का है जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, और उस समय बॉम्बे की स्थिति बहुत ही खराब थी, आपको मतलब इतना टफ लाइफ है, ऊपर से बॉम्बे की लाइफ कभी रुकती नहीं है, मतलब यू हैव टू मूव ऑन एवरी टाइम। फिर उसके बाद 2006 में 11 जुलाई में जब सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जब ट्रेनों के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, तो करीब मुझे 4 बजे असाइनमेंट दिया गया था कि आपको बोरीवली जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट एक क्लाइंट से जाके मिलके और उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करके उनसे जो रिसीविंग लाना है वो लेके आना, बट सिंस इट इज़ अ वेरी बिग क्लाइंट तो मतलब नॉर्मली कोरियर बॉय को भेज नहीं सकते थे इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो मैं चर्च गेट पर पहुँचा ही था और वो ट्रेन पकड़ने की बोरीवली की ट्रेन मैंने मतलब ऑलमोस्ट पकड़ ही ली थी, आ गई थी ट्रेन। अब हुआ क्या, उस दौरान मुझे फोन आया, ब्रांच से फोन आया कि कस्टमर अपने घर पे नहीं है, आप वापस ब्रांच आ जाओ। तो या तो बोल लीजिए कि उस समय मेरा लक काफी तेज था तो उस ट्रेन में मैं चढ़ा नहीं, वही ट्रेन में ब्लास्ट हुआ बोरीवली के अंदर।
तो ये सेकेंड इंसिडेंट मेरा बहुत ही गंदा रहा उस समय, मतलब जो डिजास्टर देखा है मैंने, मतलब मेरी आंखों से देखा है कितने परिवार बिछड़ गए, कितने कितने लोग मरे, मतलब बता नहीं सकता। मतलब आप अगर वो सेंस करोगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी उन बातों को सोचने के बाद। फिर जब मैं 2007 में दुबई चला गया, दुबई में फिर मैंने मेरा असाइनमेंट स्टार्ट किए, तो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स की बैंकरप्सी हुई, तो उस समय 2008 में लीमन ब्रदर्स की बैंकरप्सी हुई 15th of September के आसपास। तो आप समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कंपनी भी कभी बस्ट हो सकती है। लीमन ब्रदर्स मतलब आप समझे, और बैंक ऑफ अमेरिका ने उसको रातों रात टेक ओवर किया था। एग्जैक्टली उसी समय, उसी दौरान उस बैंकरप्सी के अंदर सिटी बैंक, HSBC, कई बैंक मतलब ऐसी कगार पे आ गए थे कि उनको बेल आउट देना पड़ा। बट फिर भी जिस बैंक में मैं था उस बैंक में करीब द बैंक हैज लॉस्ट अराउंड $300 million। तो आप सोच सकते हो कि वो बैंक आपको रिटेन क्यों करेगा। बट सिंस आई वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बैंक, तो वो एक एडवांटेज ये मिला कि चलो ठीक है, वी विल नॉट थ्रो यू आउट, बट यू हैव टू जस्टिफाई योर सैलरी। बट एट द सेम टाइम जब लीमन ब्रदर्स उड़ा, तो ओवरऑल आपका जो मार्केट था दुबई का बुरी तरह से क्रैश हुआ। तो एक किस्सा थोड़ा सा उसके अंदर भी याद आता है मुझे कि उस समय एक क्लाइंट था जो मैं उनसे मतलब हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा था, 3 महीने से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, सर आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, इज इन टू द रियल एस्टेट मार्केट एंड इज द बिलियनर गाय। 3 महीने तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मैं बहुत कोशिश किया, ऑफिस जाता था, बैठता था, पर मुलाकात नहीं हो पाती थी। उस लीमन ब्रदर्स के जो इंसिडेंट हुआ उसके ठीक 15 दिन बाद वही क्लाइंट 3 महीने तक रेगुलर मेरे ऑफिस में आया, बोले यार अभिषेक कैसे भी करके इसके अंदर कुछ सेटलमेंट करो, कुछ ऐसा करो, बिकॉज सिंस इज हैविंग लॉट ऑफ लाइबिलिटीज एंड द एंटायर मार्केट हैज बीन क्रैश। तो और उसी समय एक ऐसे इंसान थे जो बैंक में उनको कोई पूछता नहीं था, बट मैंने उनको बोला सर आप आ जाओ कि प्रॉब्लम क्या मुझे बताओ, बोले यार मेरा एक लोन चल रहा है उसको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करना है। मैंने स्ट्रक्चर किया उसी मार्केट में, जब मार्केट पूरा क्रैश हुआ तो ही पुटेड अप द पुट ऑप्शन, मतलब अपना शॉर्ट ऑप्शन उन्होंने किया हुआ था, तो ही मेड लॉट ऑफ मनी। मतलब जो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं था, विद इन ओवर पीरियड ऑफ 1 week ही बिकम मिलियनेयर, एंड जो मिलियनेयर था वो बिकम ऑन द स्ट्रीट। तो वो इंसिडेंट इतना गंदा था, और इतना उस समय इतने जॉब सड़क पे गए, मतलब इतने लोगों को निकाला गया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी फैमिलीज, उनका वीजा प्रॉब्लम, उनका मेडिकल प्रॉब्लम, बाय गॉड मतलब इट इज हैवॉक ऑन द स्ट्रीट। फिर आप फिर एक इंसिडेंट और बताऊंगा 2012 के अंदर 27 जुलाई के आसपास जब लाइबोर स्कैम हुआ था, आई वॉज पार्ट ऑफ बार्क्लेज। तो जब लाइबोर स्कैम हुआ तो बार्क्लेज इज कम्प्लीटली बस्ट अप। तो मिडिल ईस्ट में बार्क्लेज पूरी तरह से वाइंड अप हुआ, HSBC को काफ़ी पेनल्टीज देनी पड़ी, और सिटी बैंक मतलब इट हैज बीन बेल आउट बाई दी अबू धाबी शेख। तो अभी बार्क्लेज बैंक इज बीन मर्ज विद द अबू धाबी इस्लामिक बैंक नाउ। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, मतलब आप समझिए कि उस लेआउट का सबसे पहली शुरुआत मुझसे ही हुई थी। तो वो एक बड़ा मतलब आप जब वहाँ से मेरी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई, वहाँ से पूरा कैरियर टर्न अराउंड हो गया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं कि यार COVID-19 में ऐसा हो रहा है, जॉब वैसा हो रहा है, दैट टाइम आई वॉज अर्निंग लाइक मतलब इट इज़ बिन वेरी हैप्पी अमाउंट। जब आप एक बड़े पोजीशन पे होते हो, जब आप ऑलमोस्ट आपके कैरियर में पिक पे होते हो, और उस समय आप सडनली ऑन द स्ट्रीट, तो इट इज़ वेरी डिजास्टर। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी कितनी हैबिचुअल, आपके कितनी लाइबिलिटीज किस तरह से मतलब पूरी तरह से रन डाउन हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, और अब ये जो 2020 का जो कोविड अभी हम जो फेस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, बस ये लग रहा है कि घर पे बैठे हैं। बट हाँ डेफिनेटली अभी तक जितने क्राइसिस आए, जितने चैलेंजेस आए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसका। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे लग रही है, इसके अंदर पॉजिटिविटी ये लग रही है कि वी आर कमिंग इनटू द रियल वर्ल्ड। अभी तक हम एक तरह से इल्यूजन वर्ल्ड में चल रहे हैं, एक तरह से हम लेवरेजिंग वर्ल्ड में चल रहे हैं, हम एक ही चीज को करीब करीब 10 times हमने लेवरेज किया हुआ है। तो नाउ इट इज अ टाइम टू कम वेयर यू हैव टू वर्क एक्चुअल ग्राउंड रादर देन टू यू नो क्रिएट अननेसेसरी, जो हम पाइलिंग करते हैं, जो हम एग्जाजरेट करते हैं अपनी चीजों को लेके, ये एक नॉर्मल ग्राउंड पे हम आ गए हैं, मतलब धरातल आ गया बेसिकली। अब आपको धरातल की ही चीजें बात करनी होगी। अब इस लॉकडाउन में अगर मैं देखा जाऊंगा तो आई एम वेरी मोटिवेटेड, मतलब आई एम
to be honest with you, I'm not feeling negative at all. So, शायद आपका सेकंड क्वेश्चन यही है कि हाउ यू रिफ्लेक्टिंग इन द कोविड साइड. हाँ, मतलब ये आप अभी जो आप लॉकडाउन में आप अपने आप को मोटिवेट और एंगेज कैसे रख पा रहे हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन यही है. और उसके पहले एक्चुअली मैं थोड़ा जो जिन्होंने फेसबुक लाइव ज्वाइन किया है उनसे भी पूछना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वॉइस और वीडियो सही आ रहा है तो आप प्लीज यस टाइप करें आपके चैट में, ताकि मुझे पता चल सके आप हमारी वॉइस अच्छे से सुन पा रहे हैं और हमारा वीडियो अच्छे से देख पा रहे हैं. यस टाइप करें. और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो चाहते हैं कि अभिषेक जी आप उस पर आंसर करें या उस पर डिस्कस करें, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए. तो जस्ट मैं वेट करता हूँ 2-3 सेकंड के लिए कि ये हमारा स्ट्रीमिंग सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं पर हमारी आवाज़ और स्पीड वहाँ तक जा रहा है कि नहीं. तो लोगों का फीडबैक आ रहा है, यस आगे बढ़ते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये था अभिषेक कि अभी करीब करीब 50 ही लॉकडाउन होने को आ रहे हैं, राइट? अभी शायद 48 दिन या 47 दिन है, आज 50 दिन होने को आ रहे हैं. अपने आप को कैसे मोटिवेट रख रहे हैं और कैसे एंगेज रख रहे हैं, तो ये आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस में. शिव, बेसिकली मैं से इस लॉकडाउन को थोड़ा सा मैं शॉक जरूर हूँ, बट अगेन क्योंकि सिंस आई बीन ऑक्यूपाइड, मतलब लास्ट 5 ईयर से मैंने, मतलब आप मानिए कि सिर्फ संडे की छुट्टी मैंने मनाई है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मनाई. तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ भी हो मतलब थोड़ा बहुत तो इन्जॉय किया जाए, मतलब यू हैव टू गेट रिलैक्स योर सेल्फ. तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट वीक मेरा जो गया है ना, आई वॉज कम्प्लीटली स्लीपिंग, मतलब डे एंड नाइट. मतलब मैं आपको नहीं कह सकता कि मतलब नॉर्मली बोलते ही, अरे यार ये क्या कर रहा है, बट मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार आई गॉट समथिंग यू नो टाइम टू हील माय सेल्फ. मतलब बॉडी को भी एक हीलिंग पीरियड की जरूरत लगती है, जैसे कि आज नेचर को भी हीलिंग पीरियड लग रहा है. आज आज हम आज गवर्नमेंट ने इतना पैसा गंगा जी को बोलते हैं ना, गंगा रिवर के लिए क्लीनिंग के लिए इतना टाइम दिया, लेकिन आप देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गंगा का पानी साफ हो गया. तो वो मुझे समझ में नहीं आता वो इतना पैसा कहाँ गया. तो ठीक वैसे ही मेरा एक नेचर रहा कि इनिशियल 1-2 हफ्ते तो मैं बहुत सोया हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट मतलब जम के सोए, मतलब उसमें कोई डरा ही नहीं. और मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब वाकई में मैं सोया, बहुत सोया. और अगर मैं इसको सही तरीके से बताऊं तो एक तरह से आप समझिए कि मेरे थॉट प्रोसेस को एक थोड़ा सा हीलिंग टाइम मिला. और मैं ये टाइम एक तरह से चाहता भी था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को मैं देखूं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं. बट इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में मुझे एक सबसे बड़ी चीज सीखने को ये मिली, जो मैं कभी भी इतना मतलब थॉरली कभी स्टडी नहीं कर पाया था अपने आप को, कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या किया है, मेरे वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुए क्या नहीं हुए, वेदर आई एम डूइंग माय राइट वर्क और नॉट, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन राइट प्लेस और नॉट, वेदर आई हैव बीन यू नो डूइंग ग्रेट जॉब और नॉट. बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मुझे काफी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो भी किया है वो बहुत जबरदस्त किया. अब वो बात अलग है कि आप क्या चाहते हैं, उससे क्या आपको फायदा है क्या नहीं है. अल्टीमेटली फायदा ये है कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर एंड हाउ एंजॉयड योर वर्क रादर देन टू अर्निंग मनी. मनी तो आपका आज नहीं तो कल पैसा आना है, पैसा कहीं नहीं जाता है. जब आपकी नियत साफ होती है, आपके इंटेंशंस क्लियर होते हैं, एंड यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड यू आर डूइंग योर वर्क वेरी कंसिस्टेंटली एंड वेरी डेडिकेटेडली, तो मनी इज द सेकेंडरी पार्ट ऑलवेज, बट फर्स्ट पार्ट ऑलवेज कम्स योर पैशन एंड योर सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल. एंड सबसे बड़ी बात ये कि इन दिनों में आपने कितना एनालिसिस किया, तो मुझे टाइम मिला, मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया अपना, मतलब बोलते हैं ना अंदर से अपने आप को देखने की पूरी कोशिश की कि कितना पॉजिटिव है मैं कितना निगेटिव हूँ. निगेटिविटी थी मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं थी, बट इन दौरान आई कम टू नो कि बॉस आई ऑलवेज रिमेम्बर वन ऑफ माई प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल, जो कि सिमेंस के R&D हेड हुआ करते थे जब मैं पढ़ता था. तो हमेशा एक चीज बोलते थे कि यार जब भी क्लास में आते थे एक 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 फ्रेज हमेशा बोलते थे कि इफ रेप इज इनएविटेबल बेटर यू एंजॉय. जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो उस मोमेंट को आपको जीना पड़ेगा. आप रो के जियो, मर के जियो, दैट इज अप टू यू. बट अगर आप उसको हंस के जियोगे, जब उसको आप पॉजिटिव लेके जियोगे, तो यू विल क्रिएट एन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन द टाइम इटसेल्फ. तो वो एटीट्यूड शुरू से रहा, और इन चीजों में मैंने एक ही चीज सीखा है, मतलब अभी तक कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कभी बुरा हुआ है या ये अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है.
अल्टीमेटली मैंने सीखा ही है, या तो मैं सक्सेस हुआ या मैंने उसके अंदर अपनी चीजों को सीखा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ, या तो मैंने सीखा या मैंने उसके अंदर सक्सेस की है। तो दैट इज माय एटीट्यूड। अगर मैं इसमें अगर एक 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 छोटा सा अगर हम बात करेंगे कि जब ये पूरी एक्टिविटी हुई, तो इस एक्टिविटी के दौरान जब मैंने अपने आप को पूरा अंदर से बोलते ना एनालिसिस किया, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स एनालिसिस किए, नेगेटिव पॉइंट एनालिसिस किए, तो देन आई कम टू नो दैट देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज दैट आई नीड टू रीबिल्ड। वापस से मुझे अपनी चीजों को जैसे हम बोलते ना एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो कई कई बार हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसका, बार बार सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, रीअरेंजिंग करते हैं, रीअरेंज फाइल करते हैं, कई कई बार फाइल बहुत बड़ी होती है तो हम उसको जिप फाइल कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने काफी अपनी मेमोरीज, अपने अपने टूल्स, अपने मतलब नॉलेज, अपनी एक्सेल सारे कई जिप फाइल में किए, कई एक्सपांड किए, कई ओपन अप किए, कई चीज ऐसी थी जो कभी टच नहीं की थी वो टच। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा कि आई स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन डेटा, कई बहुत रीडिंग मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े, अपने नेटवर्क को आगे एक्सप्लोरिंग करने की कोशिश की कि कितना पॉजिटिवली हम इसको जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये क्यों किया, ये सब चीज़ें क्यों की, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि इन चीज़ों में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, या मैं बोल सकता हूँ कि मैं करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाया, बिकॉज आई गॉट एंगेज विद लॉट ऑफ वर्क। तो ये एक समय मुझे टाइम मिला कि यार ये चीज़ करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड ग्रूमिंग ऑन माई नेटवर्क। जो बुक्स मैंने साल भर से लेके रखी थी मैंने पढ़ी नहीं, उनका एक पन्ना नहीं देखा था, आई कंप्लीटेड 4 बुक्स इन दिस 40 डेज। और उन 4 बुक्स के साथ साथ मतलब ज्यादातर मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ और कई मैनेजमेंट आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, और कई बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, जो बड़े टाइकून्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दोज आर वेरी इथिकल स्टैंडर्ड, जैसे टाटा हैं, कलाम जी हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं, तो इन लोगों के इंटरव्यूज में सुनता रहता हूँ, और कई कॉर्पोरेट्स के जो जिनको हम चाणक्य बोलते हैं उनके भी मतलब वीडियोस में देख, काफी वीडियोस मैंने देखे हैं। अब इसके अंदर इन सब चीजों में मुझे एक चीज मालूम पड़ी कि यार हाउ टू सेट माय प्रायोरिटीज, मेरी प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, उनके मैंने शेड्यूलिंग की, मैंने उनके एजेंडा बनाए और पूरा वर्क प्लान किया, उसका ब्लू प्रिंट प्लान किया, मुझे क्या क्या एक्शन करना है, मैंने अपने रोड मैप डिसाइड किए, बट पॉजिटिवली किए, मतलब कभी निगेटिव पार्ट नहीं लिया। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है, मैं ऐसा नहीं कि मैं खाली बोलने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने एक्चुअली किया। मैं बात को भी समझ रहा हूँ कि आपकी इस बात को सुन के मुझे लगता है मुझे तो मोटिवेशन मिल ही रहा है, हमारे ऑडियंस अभी फेसबुक लाइव पे है उनको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा। और मैं सब लोगों से सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये फेसबुक लाइव अच्छा लग रहा है और अभिषेक की बातों से आपको मोटिवेशन आ रहा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और कमेंट्स में लाइक व टाइप कीजिए, तो हमें पता चले कि आपको भी ये बातें पसंद आ रही हैं और आपको भी अभिषेक का जो एक्सपीरियंस है, अभिषेक ने जो किया है उससे आपको भी पर्सनली मोटिवेशन मिल रहा है, और आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो पक्का आप लाइक कीजिए और लाइक टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा सा और इलोबरेट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बोलना काफी नहीं है कि मैंने ये किया, बट मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मतलब छुट्टियों में ज्यादातर अपना पब्लिक क्या करता है, सोशल मीडिया पे टाइम निकालता है, मूवीज देखता है, टीवी देखते रहते हैं। मैंने बीच में कोविड के ऊपर मतलब सुबह शाम पूरा दिन न्यूज सुनता था, पर मुझे फिर अंदर से एंजाइटी फील होने लगी कि यार आई वॉज गेटिंग फियर्ड कि यार बस मतलब क्या होगा मेरा, मतलब यहाँ कैसा होगा। तो देन स्टार्टेड यू नो कम्प्लीटली चेंज माई मूड एंड स्टॉप वॉचिंग टीवी और सोशल मीडिया पे मेरा एक्टिवनेस मैंने कम कर दिया। देन आई अंडरस्टूड कि यार बॉस मुझे करना क्या है। तो हम जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, इस तरह से मैंने कोविड की जो इन्फॉर्मेशन है एक मेडिसिन की तरह मैंने उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, मॉर्निंग में और इवनिंग में अपडेट, दैट्स इट। बाकी सारा दिन मुझे इस कोविड के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक हफ्ता कर चुका था और उसके ऊपर बहुत निगेटिविटी डेवलप हुई थी। तो देन व्हाट आई डिसाइड कि बॉस मैं क्या चाहता हूँ, ये वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, इकोनॉमी की ट्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। तो उन चीज़ों में मुझे कुछ जानकारियाँ ऐसी मिली जो मुझे सरप्राइज करने वाली थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही शॉकिंग थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही एनर्जेटिक थी। अब इन सब में हुआ क्या है कि व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग माई जो मेरा नेटवर्क है, ज़्यादातर मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, बट लिंक्डइन इज द माय प्राइमरी यू नो प्लेटफॉर्म वेयर आई ऑलवेज बीन एक्टिव। तो अब
मैंने कभी लिंक्डइन को इस तरह से कभी देखा नहीं था, बट सिंस आई स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन मोर एलोबरेटली एंड डेली बेसिस पे काफी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, तो लिंक्डइन पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने डिस्कशंस हैं, तो आई एम स्टार्ट अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार, जैसे कि हम बोलते हैं WHO, यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड बैंक की, इकोनॉमिक फोरम्स की, और जो कई बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी लाइव वेबिनार्स होती हैं, वो अटेंड किया, स्टार्टअप्स के ऊपर कई लाइव वेबिनार्स होती हैं उनको मैंने अटेंड किया, कई पॉडकास्टिंग मतलब सुनना स्टार्ट की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की भी पॉडकास्टिंग होती है, उनकी भी कम्युनिटीज की भी एक्टिविटीज होती है, वो भी अटेंड करना स्टार्ट किया, कई राइटर्स जो अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे थे वो भी पढ़ना स्टार्ट किया, कई आर्टिकल्स पढ़ने चालू करे, प्रोफेसर्स की क्लासेस अटेंड करना चालू करी, अपने बी स्कूल्स के प्रोफेसर, कई लोग लाइव आते हैं, नॉर्मली लोग देखते नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोचते यार ये क्या बात कर रहा है, खुश रहो, ये कौन सा टॉपिक है ना, बट एक्चुअली ये सब देखते देखते जब मैंने स्टार्ट किया अपना काम, टेडएक्स पे मैंने, यूट्यूब पे मैं एक्टिव रहा, तो देन सडनली आई कम टू नो दैट आई हैव टू यू नो एटलीस्ट यूज अ पॉडकास्ट टेक्नोलॉजी टू यू नो एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी पे ऊपर बात की जाए, तो आई शेयर्ड माय पॉडकास्ट ऑल्सो, जहाँ आपने सुना भी होगा और आपने शेयर भी किया होगा, जिसके अंदर मैंने एक पॉजिटिविटी की बात करी कि COVID-19 अगर जितना हम देख रहे हैं, इट इज मोर लाइक वन साइड, अगर उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन देखेंगे तो इट हैज इमेंस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, उसने कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई हैं जो हमें दिख नहीं रही है, बट बिकॉज अब हम सारा दिन एक नेगेटिविटी के ऊपर बात करते रहते हैं, तो इन दौरान मैंने काफ़ी इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़े, कई रिसर्च पढ़ी, और इन रिसर्च में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाल के, जैसे हम अभी अगर हम न्यूज़ सुनते हैं तो COVID-19 का एक बोलते हैं वायरस, ये चाइना से मतलब ओरिजिनेटेड हुआ है या इंजीनियरिंग हुआ है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ सिंस वी आर लाइव, तो आर सडन रिपोर्ट्स की खाली आप चाइना इज द ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, उसके पीछे एक दूसरा कॉइन भी है जो आप शॉकिंग आपके लिए, वो मैं बोलूंगा नहीं, हाँ। अगर मैंने वो बोला तो शायद हो सकता है कि मेरे खिलाफ काफी कमेंट आएंगे, बट आई हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास उसकी, और मैंने उसके ऊपर काफी रिसर्च की है, काफी डेटा है मेरे पास, वो किसी दिन हाँ। जब पूरी तरह से अगर ऑथेंटिकेट होगा तो देन आई विल शेयर ऑन माय लिंक्डइन आल्सो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें मतलब मैं चाहता हूँ कि यू हैव टू यूटिलाइज योर बेस्ट टाइम इन द पॉजिटिव साइड रादर देन टू टॉक नेगेटिव, बट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू हैव टू एक्सप्लोर योर मतलब आप वो चीज करो जो आपने कभी किया नहीं हो, आप वो चीज चैलेंज लो जो आपने कभी सीखी नहीं है, तो मैं वो सारे चैलेंजिंग पार्ट कर रहा हूँ, मैंने जो कभी किया नहीं वो सब कुछ मैंने इन पूरे लॉकडाउन पीरियड में किया है, और बिलीव मी मुझे ऐसा लगता था मैं कर नहीं पाऊंगा, बट आई हैव डन इट, आई डन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। आई थिंक एक किसी का क्वेश्चन आया है, पूरा टाइप तो नहीं किया, संतोष अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप प्लीज अपना टाइप क्वेश्चन फिर से टाइप करो, आई थिंक ये आधा ही टाइप हुआ है, और जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं उनको मैंने लिंक भी शेयर करी है, जो अभिषेक के रिसेंट पॉडकास्ट था वो पॉडकास्ट की मैंने लिंक शेयर की है, तो आप इस पॉडकास्ट पे जाके सुन भी सकते हैं, अभिषेक का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा था और बहुत वायरल भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने सुना है और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोलना चाहूंगा मेरा लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट है, मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, मुझे पॉडकास्ट की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, कुछ नहीं आता है, बिलीव मी, एक जैसे आप मेरे दोस्त हैं ऐसे ऐसे एक मेरे एक ऐसे एक और फ्रेंड है, उन्होंने बोला यार बहुत आसान है एक बार ट्राई तो करो, मैं बोला यार मैंने कभी नहीं किया ये सब, बोले यार आपको आपके विचार बोलना है, आपको टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, अब आपका आपका जो दिमाग में चल रहा है यू शेयर इट, बट यू शेयर इट इन प्रॉपर मैनर, कुछ पॉइंटर्स बना के करो कुछ, ये मैंने कभी लाइफ में किया नहीं, बिलीव मी, मैंने मुझे 6 आवर्स लगे उस पहले पॉडकास्ट को करने में, बट आई डिड इट अलोन, बिलीव मी आई डिड इट अलोन, तो ये भी एक कोई नहीं टाइम को एक नई स्किल सीखने के लिए यूज किया, और वो स्किल अभी बहुत लोगों को हेल्प करने वाली है, आपके पॉडकास्ट से या आपके जो विचारों से कई लोगों को फायदा होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। जो लोग अभी लाइव से जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और ताकि हम उन क्वेश्चनों को ले पाए। इसके अलावा अगर आपको ये पॉडकास्ट और ये अपना लाइव पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक बटन को क्लिक करो, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये पसंद आ रहा है, और इसी के बाद हम लोग बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। मैं वही पूछना चाहूँगा कि
लॉकडाउन के बाद को लेके आपको क्या लगता है? अभी जो चीजें चल रही थी, अभी 50-60 दिन का लॉकडाउन है, खुलेगा जैसे भी खुलेगा, क्या होने वाला है? आपको आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? और मैं खास तौर पे उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज पास आउट हैं, जो 2020 के पास आउट हैं या 2021 के पास आउट हैं, और जो अभी यू नो लास्ट ईयर में होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन में, उनको उनकी जो एंग्जाइटी होगी, उनकी जो एक परेशानी होगी, यंग क्राउड है इंडिया में, इतना यंग क्राउड है, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा अगर आप बता पाओ या आपके विचार रख पाओ तो मैं वो जरूर जानना चाहूँगा। शिव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करीब करीब आज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के दिमाग में चल रहा है, बट स्पेसिफिकली इंडियन लोग इस चीज़ को काफ़ी वैल्यू देते हैं, और सिंस वी आर ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट व्हाट गोना बी हैपन नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है और बहुत ही सटीक उतरता है ओवरऑल इंफ्रा, मतलब ओवरऑल अगर हम फोकास्टिंग करें मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मतलब एज अ शॉर्ट टर्म हम चैलेंजिंग पार्ट जरूर देख रहे हैं कि एक साल दो साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा और बहुत सारे जॉब लॉस भी हो सकते हैं, बहुत सारी निगेटिविटी भी रहेगी, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको मेरे एनालिटिकल पार्ट से बोलूं या मैंने जो अभी तक सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं, मैं उसके एक पॉजिटिव साइड में बात करूंगा कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं। मतलब ये लॉकडाउन जो हुआ है ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन है, और ये हिस्ट्री ने एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, ये जो बोलते हैं ना हम सिंक जिसको बोलते हैं, एक सिस्टम को समझने के लिए टाइम दिया, और ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि ये इतना पॉजिटिव किसके लिए और इतना निगेटिव किसके लिए। अगर मैं बात करूँगा कि इट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव और एज इक्वली वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, जो कि शिव आप और हम दोनों जो आते हैं, जो हम हमारी जो कैटेगरी के लोग हैं जो एक मिड कैरियर में, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट रहेगा, डेफिनेटली चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। और जो हमारे सीनियर्स हैं जो कि 20 इयर्स प्लस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस वाले लोग हैं या 25 इयर्स प्लस वाले लोग हैं, उनके लिए सबसे टफ टाइम रहेगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जो यंग क्राउड है, दोज हु आर एंटरिंग इन द यू नो द स्टार्ट ऑफ द कैरियर, बिलीव मी हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि दे आर एंटरिंग एट द राइट टाइम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जहां इकोनॉमी अपना एक बेस बना रही होती है और ये बेस के ये लोग एंट्री मार रहे हैं। मतलब जब बिल्डिंग बन रही होती है तो जब कोई फ्लैट लेने आता है ना, तो ये जो यंग क्राउड है ना, आप ये समझिए कि जस्ट ये बिल्डिंग के मतलब पिल्ट रखा है और ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर एंट्री मार रहे हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनको क्या अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन लोगों के लिए रहेंगे जो बहुत कन्विक्टेड है और बहुत ही मतलब सटीक है, अपने काम के प्रति बहुत डिवोटी हैं, और दे वांट टू बी प्रोफेशनल इन देयर लाइफ विद प्रॉपर कन्विक्शन। अगर उनके कन्विक्शन सही हैं और इनके इंटेंशन सही हैं, दे वांटेड टू डू समथिंग इन देयर लाइफ बट विद मोर कन्विक्शन विद मोर एक्सपर्टीज एंड दे वांटेड टू एक्सेल देमसेल्फ एंड दे वांटेड टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, बिल्ली में उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर तो मैं ओवरऑल मैं इस पे थोड़ा सा आपको 3-4 पॉइंट बताना चाहूंगा कि सिंस ये एक थोड़ा सा इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह से आएंगी, इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्या क्या हलचलें होंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मेरे पास डेटा है, इकोनॉमिक के अंदर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो 10 साल पीछे चले गए, हम उन सेक्टर्स में 10 साल पीछे हो गए। ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, मतलब मैं सीधा जो अपॉर्चुनिटी है मैं उस एरिया में बात करूंगा, निगेटिविटी की बात नहीं करूंगा। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हम 10 साल आगे हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री है तो हेल्थ इंडस्ट्री डेफिनेटली बूमिंग है, क्योंकि आप ये चल रहा है कि दवाइयाँ लग रही है, हॉस्पिटल्स लग रहा है, तो बट ऑब्वियस आपका पूरा हेल्थ इंडस्ट्री बूमिंग कर रही है। बट लेट मी टेल यू, हेल्थ इंडस्ट्री आपकी 5 times ग्रो हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हेल्थ इंडस्ट्री के इस पूरे कोविड में लॉकडाउन के अंदर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो 10 times ग्रो हो गई है, और 10 times ग्रो हो गई है।
और आप पूछोगे वो कौन सी है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलूंगा, इट इज अ डिजिटल इंडस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं आज हम जो कर रहे हैं, हम लाइव आए हुए हैं। ये कभी मैंने लाइव कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लाइव आऊंगा या फेसबुक पे मैं कभी लाइव होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करूंगा। बट बिलीव मी, अगर यूजर देखेंगे, अगर डेटा यूज देखेंगे या ओवरऑल पूरा स्पेक्ट्रम का यूसेज देखेंगे, इट हैज बीन इंक्रीज 10 times। मतलब आप बोल रहे हेल्थ इंडस्ट्री 5 times बढ़ गई है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंडर द कारपेट दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑलरेडी डेवलप्ड। जो 10 साल बाद जो डिजिटल एरा आने वाला था, वो हम अभी लॉकडाउन के 6 महीने बाद वो एरा को फील करेंगे। तो मुझे लगता है अभी जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने करियर को एग्जैक्टली, बट इट इज अ प्योर डिजिटल डिस्ट्रप्शन विद द लॉट ऑफ इनोवेशन इन द डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म। मैंने अभी रिसेंटली अभी जस्ट 1 week before I attended the conference of Watson, IBM Watson का पूरा मैंने उनका पूरा मतलब जो सेमिनार था वो अटेंड किया मैंने। बिलीव मी, मुझे आईटी के बारे में, टेक्निकलिटी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैं इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहता हूँ। सिंस आई नो दैट इट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोना हैपन वेरी रैपिडली, एंड आप अगर एज ए रिजल्ट देखेंगे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आई डन लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन इन डिजिटल, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, आपके डिजिटल स्ट्रेटजीज क्या क्या होना चाहिए, निगोशिएशंस कैसे होना चाहिए, आपके स्ट्रेटजिक अलायंसेस कैसे होना चाहिए, आपके कॉग्निजेंट मतलब किस तरह से आपकी थिंकिंग होना चाहिए, फिर सेम टाइम हाउ यू यूटिलाइज द डिजिटल प्लेटफॉर्म मोर यू नो द एप्रोप्रिएटली एंड विद द टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ योर यू नो द कंसंट्रेशन एंड द वर्क प्रोडक्टिविटी एवरीथिंग। तो अब ये जमाना जो है, जो लेजी लोग हैं, जो मैं बोलता हूँ कि जो ओवर लेवरेज हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवरेज काम करते हैं, अपने पॉकेट से डबल पैसा मार्केट से लेके काम करते हैं, या बोलते ना कि ठीक है यार पिताजी खिला देंगे यार, 2 पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेंगे, क्या है जिंदगी निकालनी है, ये लोगों का समय नहीं है। चाहे वो यंग हो या ओल्ड है, कोई भी हो, अगर यंग लड़का अगर वो टैलेंटेड है, उसमें आग है, उसमें स्पार्क है, तो बिलीव मी वो अपना मार्केट बना के छोड़ेगा। मैंने देखा है यंग मतलब 22 साल का, रिसेंटली अभी आपने काफी न्यूज में चल रहा है कि एक 16 साल का लड़का टाटा हैज बीन स्पॉन्सर्ड विद हिम, तो आपने देखा होगा एक देश पांडे करके है, जो करीब 16-17 इयर्स का लड़का है, जिसने जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर कुछ अपना स्टार्टअप किया था एंड इट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय टाटा ग्रुप। तो ये चीज देखने को मिलेंगी और ये बहुत ऑफनली मिलेंगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वो इतनी एनर्जी नहीं है जितना यंग लड़के लोगों के पास है, लेकिन बिलीव मी यंग लड़के के पास एनर्जी है, उनके पास टैलेंट है, दे हैव इनोवेशन, बट एक सबसे बड़ी कमी उनको रहेगी वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के लिए हम जैसे लोग खड़े हैं, और मैं उन सब यंग लड़कों के लिए खड़ा हूँ कि अगर आपके पास स्पार्क है, अगर आपके पास इनोवेशन है, तो आई विल पुट माय एंटायर यू नो द एक्सपीरियंस एंड कैटर यू टू गाइड यू कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और एंड नॉट ओनली फोकसिंग ऑन दैट बट आई एम अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जो अभी तक मैंने टेक्नोलॉजी पे इतना काम नहीं किया, बट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मेरे ये जो लास्ट 40 days गए, मैंने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम किया है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एक साइकोलॉजिकल पैटर्न से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि इसको किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से हम करें, और इसमें बहुत रैपिड चेंजेस आएंगे, मतलब बिजनेस में बहुत रैपिड चेंजेस आएंगे, वर्क में रैपिड चेंजेस आएंगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएंगे, और आपकी जो एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची है वो सब बंद हो जाएगी, आप उतना ही कमाएंगे आपको जितना जरूरत है, आप उतना ही खर्चा करेंगे जितना जरूरत है, और टेक्नोलॉजी आपको उतना ही देगी जितना आपको जरूरत नहीं उससे कहीं ज्यादा देगी, मतलब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल सही बात। अक्षय का जो फीडबैक आया है कमेंट कि अक्षय ने आपका पॉडकास्ट सुना है और उन्होंने कहा है कि आई आल्सो हर्ड दैट पॉडकास्ट एब्सोल्युटली मोटिवेटिंग। तो मुझे लगता है आपका पॉडकास्ट का फायदा काफी लोगों को पहले ही मिलने लगा है। गुड, थैंक यू अक्षय, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी जो लोग लाइव पे जुड़े हैं उन लोगों से फिर से मेरा सजेशन है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि अभिषेक उसका आंसर करें या हम लोग डिस्कस करें, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम वो क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर रत्नाकर कुमार का, कंसीडरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन बीइंग एन एम्प्लॉई
do we have any plan B? As speculations are weaving around for economic crisis like to be encountered. तो क्या हमें अपना प्लान बी रखना चाहिए जिस तरह की अस्थिरता इकोनॉमी में दिख रही है, ऐसा उनका क्वेश्चन है डॉक्टर रत्नाकर कुमार का। रत्नाकर जी, मैं आपको एक सवाल, आपका बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट इट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि हमारा सर्वाइवल किस तरह से रहेगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक बोलता हूँ, सर्वाइवल फॉर बीइंग एज एन अर्निंग इट इज द सेकेंडरी, बट सर्वाइवल टू बीइंग योर ओन लाइफ इट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। मतलब हम जीने, अभी हमको जीना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर बाद में हमको जियेंगे कैसे ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है। तो प्लान भी तो हम ऑलरेडी जियेंगे कैसे ये वाली बात कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी मैं आपका इसका एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। प्लान भी आप जरूर रखें, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो आपका एम्प्लॉयर है ही नीडेड द मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, यही टाइम है जहाँ आपको उसको सपोर्ट करना है। बट आप ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सैलरी नहीं लेना, आपका घर नहीं चलाना, ऐसा नहीं है। जो मिल रहा है अभी फिलहाल आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सैलरी देंगे 100% देंगे, बट विद द सेम टाइम आप जितना हो सकता है कंपनी की पॉजिटिविटी के लिए सोचें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस समय जो भी एम्प्लॉयर होता है वो यही सोचता है कि अरे यार मेरे ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जो मेरे साथ खड़े हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज ये समय जो है ये आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। अगर मान लो आपने अगर जॉब छोड़ भी दिया, प्लान भी ले भी लिया कि चलो मैं जॉब चालू कर लेता हूँ या कोई दूसरा जॉब देख लेता हूँ या कोई बिजनेस कर लेता हूँ, बिलीव मी आपको सेट होने में इस समय अगर आप लॉकडाउन ओपन होगा ना, तो आपको सेट होने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और हो सकता है आपको 6 महीने बाद यही एम्प्लॉयर आपको प्रमोट कर दे। कि सिंस यू हैव बीन सजेस्ट, आप उनको सजेस्ट करें कि कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाए। यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आप किस तरह से कंपनी को क्राइसिस में सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जहां आप अपने आप को क्राइसिस मैनेजमेंट देख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। सॉरी अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई तो इसलिए इट हैज बीन लुकिंग डार्क। नहीं बढ़िया, मुझे लग रहा था कि हम लोग ये पॉडकास्ट ये फेसबुक लाइव 20-25 मिनट के लिए करेंगे, पर आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज नहीं हुआ हम लोग करीब 45 मिनट से बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, रत्नाकर जी का मैसेज आया, फुल एग्री विथ यू सर। तो बढ़िया, अगर और कोई क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे लगता है हम लोग टाइम तो क्रॉस कर चुके हैं टाइम लिमिट, और काफी लोग फेसबुक पर हैं। अगर आप लोगों को ये फेसबुक लाइव अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए यहाँ अभिषेक जी हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, और साथ ही साथ कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से अपनी मार्केटिंग के लिए प्रेजेंट कर दूं, तो मैं ओरेकल क्लाउड ERP पे काम करता हूं, और ये मेरा लिंक्डइन है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग है, आप लोग चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी की डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, फेसबुक लाइव पे कमेंट वगैरह में डाल दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं इसमें, सॉरी शिव, मैं एक छोटा सा इंटरप्ट करना चाहता, अगर कोई मुझसे कोई भी जुड़ना चाहता है या इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, यू कैन लिंक मी ऑन लिंक्डइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन का। आपका मैंने जो आपका फर्स्ट स्लाइड था उस पे लिंक्डइन का एड्रेस डाला हुआ है, तो होपफुली पीपल विल कांटेक्ट यू। एक और कमेंट आया, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और वो कमेंट है रत्नाकर जी की तरफ से, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव, आई एम वन ऑफ योर फैन शिव सर। ओ थैंक यू, इट्स वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड मुझे अभिषेक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइट चली गई है लेकिन हम फिर भी लाइव हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अगर घर पे ही करें तो ज्यादा अच्छा है, फिलहाल अभी बाहर मनोरंजन इंडस्ट्री इज नॉट दैट लुकिंग गुड, क्योंकि मनोरंजन इंडस्ट्री इट कम्स इनटू दी हम जिसको हम बोलते हैं कि एक डिजायरेबल पार्ट में आती है, और इट इज नॉन एसेंशियल सर्विसेज, बट डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ यू नो आवर यू नो व्हाट यू कॉल्ड एज अ मोटिवेशनल पार्ट, बट
घर पे रह के आपका जो मनोरंजन हो सकता है और जो घर के अंदर खुशियां है वो बाहर आपको नहीं मिलेगी। जो अभी तक आप बाहर खोज रहे हो, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, बिकॉज यही यही स्वर्ग है, इससे बड़ा कुछ नहीं। आपके घर में ही आपको सबसे बड़े लेसन मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेंगी, आपको सोर्स मिलेंगी। आपने अभी तक घर को कितना टाइम दिया, या खुद आप खुद अपने आप में मंथन करो ना। अगर आपको लग रहा है आपने टाइम नहीं दिया तो स्पेंड टाइम, आप जोक सुनाओ, आप टीवी देखना बंद करो सबसे पहले, यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग। बट डिजिटल इंडस्ट्रीज, डिजिटल मीडिया को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको टाइमली डिफाइन करो, उसको प्रॉपरली वर्क बनाओ, एंड देन यू हैव टू डू एंटरटेनमेंट एट होम ओनली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत डिस्ट्रप्शन है, इसके अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसके अंदर नए नए इनोवेशन बहुत आएंगे, क्योंकि अभी तक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इट इज ऑन द ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, पर इसमें कई नए आइडियाज हैं जिसपे मैं पर्सनली भी काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। बहुत जल्दी आएंगे नए आइडिया के साथ। तो अक्षय, ये आपका क्वेश्चन आंसर किया, मुझे लगता है हम लोग अपने टाइम लिमिट तो क्रॉस कर ही चुके हैं, और आपके लाइट भी जा चुकी है, उसके बाद भी आप इतने मोटिवेटेड आंसर दे रहे हैं। तो अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीबडी हु ज्वाइन ऑन फेसबुक लाइव। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टे होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहें, घर पे रहें और मस्त रहें। थैंक यू अभिषेक फॉर जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड स्टे होम और कीप इट योर सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप द लॉकडाउन, फॉलो द लॉकडाउन रूल्स। जितना आप दूर रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, और जितना दूर आप रहेंगे अपने आप को आप उतना अच्छे से मंथन कर सकेंगे। एक्सप्लोर योर सेल्फ एज मच एज यू कैन एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीबडी। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस ब्रॉडकास्ट नाउ। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन द सम न्यू टॉपिक। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू। Thank you.